तो ही गई फिर से मैं आ गया एक और वीडियो में। तो कहते आप लोग जानते हो कि ये चैनल यार काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी हुई जब रिटर्न हुआ था, लेकिन एक तरीके से मुझे दुख भी हुआ क्योंकि गाइस इसमें एक्टिव सब्सक्राइबर बहुत कम हो गया है। तो कैसे अगर आप एक बार वीडियो देखते हो यार पापा चैनल पे आकर वीडियो देखने के लिए, और गाइस बेल आइकन यार जरूरी ऑन करके रखा करो ताकि यार सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले यार अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो यार जाके अभी फॉलो कर लो, वरना गाइस इंस्टाग्राम यार फटने वाला है। मतलब गाइस इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे एनिमी बैटल करने वाला हूँ कि यार कौन सा एनिमी बेस्ट है। तो गाइस आप लोग के लिए यार यही एक कहूँ कि यार जाके जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग जानते हो कि डोरेमोन की बहुत सारी मूवीज निकली क्या, अब मैं यार अपने अकॉर्डिंग से मैं कुछ ऐसी मूवीज़ का नाम लेने वाला हूँ जो मुझे बेस्ट लगी। मतलब गाइस वो जो मुझे आप लोग का नहीं पता वो तो आप लोग कमेंट करो तब मैं देखूंगा कि यार कि क्या क्या लगता है। लेकिन यार जो मूवी मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा हिट लगी वैसे मैं 5 मूवीज़ का नाम लेने वाला हूँ, और क्यों हिट लगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस चलो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता है वीडियो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली मूवी हमारे पास आती है डोरेमोन की स्टील ट्रूप्स, और क्यों आती है वो तो आप जानते हो, उसके इतने अच्छे अच्छे और मस्त मस्त सीन्स, तो तीन वाला सीन मत समझ लेना, मतलब इमोशनल सीन और सारे फाइटिंग सीन्स जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। तो गाइस पहले नंबर पे स्टील ट्रूप, और दूसरे नंबर की यार बात करते तो गाइस वो मूवी आती है डोरेमोन की स्टैंड बाय मी। और गाइस वो क्यों इतनी ज़्यादा हिट है और क्यों इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है वो तो आप लोग भी जानते हो, और मुझे ये भी जानना है कि आप लोग को स्टैंड बाय मी क्यों इतनी पसंद है, एक रीज़न ज़रूर कमेंट करना, एक कमेंट जरूर ठोकना कि क्यों पसंद है। कुछ भी कमेंट कर सकते हो, सैडनेस इमोशंस कुछ भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो गाइस तीसरी मूवी की बात करते हैं तो गाइस वो है नोबिता लिटिल स्पेस वॉर। तो गाइस वो ज़्यादा मस्त, बिल्कुल मस्त मूवी लगी थी मुझे, और गाइस आप लोग जानते हो क्यों इतनी मस्त थी। और उसमें एक तो पहली बार मतलब डोरेमोन की जो ऐसी मूवी थी जो स्पेस में थी, मतलब उससे पहले आयु की तो मुझे पता, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से वो डोरेमोन की एक ऐसी पहली मूवी जहाँ पे एलियंस हमें दिखा था पहली बार। तो कहते अब बात करते हैं फोर्थ मूवी कौन सी है। तो गाइस फोर्थ मूवी का नाम है, अब आप सभी लोग जानते हो यार, नोबिताज डायनासोर। तो कहती काफ़ी ज़्यादा यार पीसुके, और यार बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवी थी और बहुत ज़्यादा मस्त मूवी थी। मुझे पता है आप इसे बहुत लोग तो भूल भी गए होंगे यार, नहीं नहीं कोई नहीं भूला होगा, मुझे पता है आप सभी लोग डोरेमोन फैन थे तो आप लोग को सभी को ये चीज़ याद होगी। तो कहते मुझे पता है कि ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इस मूवी को भी। तो कहते बस यही था कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल सीन्स भरे हुए थे और गाइस तभी ये मुझे मूवी इतनी ज़्यादा मस्त लगी। तो गाइस पाँचों नंबर की मूवी यार मैं आपको नहीं बताने वाला, पाँचों नंबर की आप लोग खुद कमेंट करोगे यार पाँचों नंबर में आपके हिसाब से आपको कौन सी पसंद है, और गाइस पाँचों नंबर की मूवी आप लोग कमेंट करोगे यार कौन सी मूवी बेस्ट हो सकती है ये टॉप 5 मतलब मूवीज़ में, पाँचों नंबर की मूवी आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मुझे यार जानना कि आप लोग का फेवरेट मूवी कौन सी है। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन नहीं दबा तो बेल आइकन को घंटा दबा दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस आप लोग को पता है कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आती रहती है। तो गाइस इसी के लिए कहते हैं सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है, मजाक करो तो हो नहीं पाएंगे। तो गाइस सपोर्ट करो, बस यही बोलूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।